अपॉर्चुनिटीज आर ऑल अराउंड यू बट यू हैव गॉट टू शो अपर्ड ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी स्टडी क्वेश्चन के आंसर है तमिलनाडु में प्लैंड टू सेटअप डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व लाइट यूनिट है डिस्टेंस की टू सेवन थ्री पॉइंट वन सिक्स कैलविन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वॉटर होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है स्प्रिंग ऑफ अ वॉच में आयरिस के कारण आँखों को एक डिस्टिंक्टिव कलर नज़र आता है आँखों का एक डिस्टिंक्टिव कलर बनता है देन लॉन्जीटनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट गुजरात से लेके अरुणाचल तक तो ये क्या है लॉन्जीट्यूड हैं सो दीज आर आंसर्स ऑफ यर क्वेश्चंस आज के सवाल हैं विच वेदांग इज रिलेटेड टू मैट्रिक्स कम्बाला स्पोर्ट काफ़ी फेमस है दिस इज़ हेल्ड इन विच स्टेट विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया वेन पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिल नाडू विच टेम्पल इन इंडिया वॉज कॉल्ड एज द ब्लैक पगोड़ा बाय द यूरोपियंस सिंगे खबाब फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट होता है किस इंडियन स्टेट में हॉर्नबिल फेस्टिवल यूपीएससी का फेवरेट है दिस इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सो दिज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबलरी है एस्टाउंडिंग एस्टाउंडिंग मतलब अद्भुत सरप्राइजिंगली इम्प्रेसिव और नोटेबल कलमिनेट करना मतलब समापन की तरफ क्लाइमैक्स आ रहा है रीच अ क्लाइमैक्स और पॉइंट ऑफ हाइएस्ट डेवलपमेंट लुडिक्रस का मतलब होता है वो उटपटांग है फुलिश अनरीजनेबल और आउट ऑफ प्लेस एस टू बी अम्यूजिंग और रेडिक्युलस टॉटर इकोनमी अभी टॉटर कर रही थी ड्यूरिंग लॉकडाउन मूव इन अ फीबल और अनस्टडी वे लड़खड़ाते हुए चलना ऑब्सक्योर है पिक्चर मतलब अस्पष्ट है नॉट डिस्कवर्ड और नोन अबाउट अनसर्टेन कोविड नाइनटीन टाइम्स सो दीज आर सम वोबुलरी वर्ड्स इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पोर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज संडे है आज के टॉपिक्स है हाईकोर्ट जजेस क्लियर करें क्विकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक एड्रेस है एक्सेलेंट पॉइंट है यहाँ पे कुछ हम एक प्रलिम्स का सवाल भी देखेंगे देन दिस इज रेट्रो टैक्स का मेस आई विक्रांत का सेकेंड ट्रायल चलेगा अभी इंडिया चाइना कोर कमांडर टॉक्स होगा ये है फ्यूचर प्रूफिंग ऑफ लंगा मंगन याद ये भी प्रलिम्स का सवाल है हेरिटेज डिजिटाइज करना है देन फाइव करोड़ हाउसेस को जल जीवन मिशन कोविड की ये नई ड्रग है देन एंग्री ताइवान स्लैम्स चाइनाज एग्रेशन फिलिपींस के जो प्रेसिडेंट है रिटायरमेंट अनाउंस किया है आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्नैपशॉट आता है प्लास्टिक्स की बात करेंगे हम देन विल टॉक अबाउट एजुकेटिंग द यंग दीज आर टॉक्सिक फायर क्रैकर्स फायर क्रैकर्स सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसर्स फोकस ऑन विमेन वुमेन एम्पावरमेंट दिस इज द मैन ऑन द थ्रोन दिस इज जापान प्राइम मिनिस्टर ट्यूनिशिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर साबरमती आश्रम और आज अपन ये एक बड़ा हाई एल्डिंग टॉपिक प्रिपेयर करते हैं इंडिया की जियो पोलिटिकल मैपिंग जियो पोलिटिकल मैप इसमें सारे स्टेट्स कोऑर्डिनेट्स नेबर्स एट्सेट्रा हम देखेंगे ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देन दिस इज सी सेट सोलूशन एंड सर्टेन क्वेश्चन सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट अवर रेफरेंस मटीरियल इज दिस द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दिल्ली एडिशन सी फुल लेंथ टेस्ट अभी होगा मोस्ट प्रोबेबली अपन फिफ्थ और सिक्सथ को करते हैं एक्चुअली सेप्टेम्बर एंटायर मंथ में आई पुस्ड माई सेल्फ अर लॉट तो हेल्थ थोड़ा डाउन हिट हुआ है दैट इज़ वाई आई स्लोड डाउन बट टेस्ट होगा फिफ्थ या सिक्स को अपन फुल लेंथ टेस्ट लेते हैं और टेस्ट है डिज़ाइन इन अ मैनर कि कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और ये रियल एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट करेगा टेंथ को ओके देन गूगल ड्राइव कल सारी अपडेट कर दी है सारे डेटा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपडेटेड है 2020 का जो पेपर हुआ था आई एम वेटिंग फॉर ऑफिशियल आंसर की जैसी आंसर की मोस्ट प्रोबेबली कल आ जानी चाहिए मंडे को तो अपन पेपर वन एन पेपर टू इसको बड़े अच्छे से ऑफिशियल आंसर की सी सेट का भी सॉल्व करेंगे अपन देन आप जो अभी टेंथ को एग्जाम अपेयर कर रहे हैं वेन यू ड्रॉप अ मैसेज टू जस्ट मैंशन की यू आर राइटिंग एग्जाम ऑन टेंथ आई एल रिप्लाई टू यू ऑन प्रायोरिटी एंड कल आपने इतना अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट शो किया फॉर दैट थैंक यू सो मच थैंक यू नोट ड्यू है टेंथ के बाद ही थोड़ा टाइम मिलेगा आई एल राइट थैंक यू नोट टू ई एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल राइट दैट्स अ प्रॉमिस सो ये अपडेट्स है ना लेट एस कम बैक टू द न्यूज़ पेपर सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज फर्स्ट न्यूज है रमन्ना साहब का स्टेटमेंट है रमन्ना साहब ने फिर बड़ा अच्छा एक्सलेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिया है सेवन आउट ऑफ हंड्रेड एंड सिक्स नेम सजेस्टेड एज हाई कोर्ट जजेस क्लियर सो फार ये जो जजेस है ना इसका अपॉइंटमेंट हमने पिछले कुछ टाइम में देखा है कोलेजियम सिस्टम कोलेजियम सिस्टम में जो सुप्रीम कोर्ट है वो नेम सजेस्ट करती है कोलेजियम नेम सजेस्ट करती है गवर्नमेंट उसका अप्रूवल करती है और प्रेसिडेंट उन जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं तो जो बॉटल ने कह रहा है वो गवर्नमेंट अप्रूवल में आ रहा है सो दिस इज़ वन ऑब्जर्वेशन सेकेंड जो रमन्ना साहब थे वो यहाँ पे अभी एड्रेस कर रहे थे एड्रेस कर रहे थे दिस पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन को और ये ऑर्गेनाइज कराया था नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एन एल एस ए नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन हम अक्सर ये बात करते हैं कि जुडिशरी है लॉज है कोर्ट्स है बट लोगों में लीगल अवेयरनेस नहीं है लीगल अवेयरनेस नहीं होने के कारण ही उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है वो अपने फंडामेंटल राइट्स इन सब का यूटिलाइज नहीं कर पाते तो यहाँ ये बड़ी अच्छी बात लिखी है नोट डाउन दिस पॉइंट चीफ जस्टिस ने कहा इंक्लूसिव ग्रोथ कुड ओनली बी अटेंड थ्रू इक्वल एंड इंक्लूसिव एक्सेस टू जस्टिस इक्वल होना चाहिए और इंक्लूसिव होना चाहिए अन एक्सेस टू जस्टिस लीड्स टू ग्रेटर गैप्स इन सोशल फैब्रिक इस बात को आप सोशोलॉजी वगैरह हर जगह यूज़ कर सकते हो गवर्नेंस इन सोशोलॉजी दिस इज़ एन एक्सेलेंट पॉइंट देन लैक ऑफ हेल्थ केयर है एवेक्शन फ्राम होम है अनसर्टेनिटी अबाउट नेक्स्ट मील है कोविड नाइन्टीन के कारण ये सारी जो सिचुएशन है ये एक्जरबेट हुई है ऑल दीज ओवर फ्लो फ्रॉम द एबसेंस ऑफ जस्टिस तो ये हेल्थ केयर नहीं होना घर से निकालना नेक्स्ट मील का पता नहीं है ये सब कब होता है जब जस्टिस नहीं होता एबसेंस ऑफ जस्टिस सो दैट इज़ वाई जस्टिस बहुत ज़रूरी है और जस्टिस के लिए जुडिशरी और लीगल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है तो इसीलिए ये फंक्शन था सिक्स वीक का है ये फंक्शन द पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन और ये ऑर्गेनाइज किया है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तो दिस इज वन थिंग सीजीआई ने कहा एंडेवर ऑफ द नेशन शुड बी टू कैरी द फ्लैग ऑफ जस्टिस टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर एंड टू द वीकेस्ट पर्सन एक्सलेंट लाइन नोटेड डाउन सीजीआई ने कहा कि एंडेवर ऑफ द नेशन होना चाहिए कैरी द फ्लैग ऑफ जस्टिस टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर रिमोटेस्ट कॉर्नर एंड टू द वीकेस्ट पर्सन दिस इज अबाउट जुडिशरी दिस इज अबाउट ब्यूरोसी वीकेस्ट पर्सन तक भी हमें राइट्स प्रोवाइड करने हैं बाकी दूसरी बात तो ये थी कि एम टी सीट्स हैं बिकॉज बॉटल नैक हो रहा है तो जुडिशल अपॉइंटमेंट को भी फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है तो ये दो पॉइंटर्स थे जुडिशियल अपॉइंटमेंट और दूसरा जस्टिस इंक्लूजिव करें और एक्सेबल करें अफोर्डेबल करें इसी से रिलेटेड 2020 में एक सवाल आया था कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी प्रोवाइड करती है फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टाइप ऑफ सिटीजन्स किन किन को फ्री सर्विस मिलेगी अब ये अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना तो इस प्रश्न को फिर भी आप एक बार देखो ट्राई करो कोशिश करो पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन वन लैख रुपये तो किसी की एनुअल इनकम एक लाख से कम है तो मतलब इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो उसको फ्री सर्विस देनी चाहिए लॉजिकल बात है ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन यहाँ पे क्या है टू लाख रुपये मेंबर ऑफ ओ बी सीज विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन थ्री लाख है और यहाँ लिखा है ऑल सीनियर सिटीजन्स तो पहला तो ट्रू है तो अपने पास ऑप्शन क्या बचा वन एंड डी ए एंड डी है ना अब यहाँ लिखा है ऑल सीनियर सिटीजन्स अब कुछ सीनियर सिटीजन्स तो ऐसे भी होंगे ना जो मीन्स वेरी वेरी साउंड फाइनेंशियली करोड़पति एंड ऑल तो उनको फ्री सर्विसेज क्यों दें अपन तो ऑल गलत हो गया सो द राइट आंसर इज ए वन एंड टू ओके सो यू हैव टू थिंक और यही चीज हमने जो 25 फाइव एम सी क्यू इन थर्टी मिनट्स का सेशन लिया था वहां ट्राई किया था तो अभी एग्जाम आप लिखोगे ना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से करना है कॉन्फिडेंस के साथ करना है दो तो चार क्वेश्चन तो ज्यादा सही होंगे ओके सो लेट इस कम बैक टू दिस गवर्नमेंट नोटिफाइज न्यू रूल्स टू क्लियर रेट्रो टैक्स मैस अब ये रेट्रो टैक्स का एक बहुत बड़ा मैस क्रिएट हो गया था रेट्रो मतलब बैकडेटेड जैसे आज दस साल पहले का एक नियम था उसमें जाके चेंजेस कर दिए और बोला अब पिछले दस साल से इतना टैक्स देना है तो इसको बोलते हैं रेट्रो टैक्सेशन। दो केसेस बड़े न्यूज़ में आए एक तो वोडाफोन का दूसरा के एन एनर्जी का ये दोनों ही केसेस में 2012 में रेट्रो टैक्स पॉलिसी आई थी इन दोनों कंपनीज से बोला गया रेट्रो टैक्स पे करो कंपनीज़ ने चैलेंज किया इंटरनेशनल कोर्ट आर्बिट्रेशन पे दिस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हाग में और दोनों ही केसेस हम जीत नहीं पाए तो गवर्नमेंट ने यह भी देखा कि बिकॉज ऑफ रेट्रो टैक्सेशन क्या होता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी हैम्पर होता है बिजनेस सेंटिमेंट्स भी हैम्पर होता है तो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट दिस इकोनमिक बुलेट और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के क्लॉज ही हटा दिए कैंसिल करने की बात हो गई तो ये नोटिफाई हो गए हैं नए रूल टू क्लियर टैक्स का जो मैस क्रिएट हो गया था इसको क्लियर करने के लिए कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन अब ये पॉलिसी सरकार की नहीं रहेगी तो दिस इज रेट्रो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स ओके देन दिस इज़ अबाउट मेघालय पॉलिटिकल पॉलिटिकल ये है विक्रांत टू सेल आउट फॉर फेज टू ट्रायल्स जब भी कोई मशीन बनती है तो उसका डिटेल्ड टेस्ट होता है ये मशीन बनाई है विक्रांत क्या है एयरक्राफ्ट कैरियर है एयरक्राफ्ट कैरियर है तो अभी इसका टेस्ट होगा प्रॉपर टेस्टिंग होगा तो कुछ टाइम पहले इसका फ़ेज़ वन ट्रायल था अभी फ़ेज़ टू ट्रायल हो रहा है तो फेज़ टू ट्रायल में इसकी जो कंप्लीट हैबिटेट है चैम्बर्स वग़ैरह कंपार्टमेंट्स उस सबको थॉरोली चेक किया जाएगा इसके जो इंजनस है वो हंड्रेड परफॉर्मेंस में वर्क कर रहे हैं विच इज़ एक्सेलेंट तो मेडन एन सी ट्रायल है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का प्रोग्रेस वेरी वेल अब सेकेंड फेज होगा जो अक्टूबर एंड तक कम्प्लीट होगा फिर दिसंबर में थर्ड फेज चालू होगा विक्रांत एक्सपेक्टेड है टू बी डिलीवर टू नेवी इन अप्रैल और ऑगस्ट दो हजार बाईस तक ये कमीशन मतलब ड्यूटी में आ जाएगा विक्रांत को डिजाइन किया है नेवी की डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड ने और ये इंडीजिनस है मतलब छिहत्तर परसेंट कॉम्पोनेंट इसके इंडीजीनस है विच इज अगेन अ बिग फीट तो दिस टेल्स कि शिप बिल्डिंग में और वो भी एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी शिप बिल्डिंग में जो बहुत कॉम्प्लेक्स शिप बिल्डिंग प्रोसेस है उसमें भी हमें एक्सपर्टीज मिल रही है अभी हमें क्या करना चाहिए एक तो स्पीड अप करें एक से काम नहीं चलेगा हमें तीन चार चाहिए एयरक्राफ्ट कैरियर और प्रोसेस को फास्ट करें टाइम बाउंड मैनर पे डिलीवरी करें जैसे ये 2022 तक आ जाएगा तो वी नीड मोर नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ कैरियर्स इंडिया चाइना टॉक से नेक्स्ट वीक आर्मी चीफ ने कहा तो कोर कमांडर टॉक होगा गलवान टाइप जो एल एस सी इशू है वो अभी तक रिजॉल्व होता नज़र आ नहीं रहा है बट वी आर कॉन्फिडेंट दैट एज वी डिस्कस थिंग्स विद ईच अदर वी विल बी एबल टू रीच अ कंसेंसस ऑन हाउ दिस डिसेजमेंट इज टू टेक प्लेस बिकॉज चाइना क्या कर रहा है बॉर्डर पे इंफ्रा डेवलप कर रहा है ज़्यादा ट्रूप्स लेके आ रहा है एग्रेसिव बन रहा है फ्रिक्शन पॉइंट का रिजोल्यूशन करना ज़रूरी है वो भी स्टेटस को एंटी बिफोर एनक्रोचमेंट की जो पोजिशन थी वहां पर पुश करें चाइना को तो सी अभी यहाँ पे क्या होता है चीफ का अभी विजिट हुआ था फोकस है पुल बैक इन हॉट स्प्रिंग एरिया में सी देन दिस इज इंडियन डेमोक्रेसी विक्रांत फेज टू ट्रायल्स नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट ये क्या है द लंगाज़ एंड मंगनियार्स 2014 में प्रलम्स में सवाल आया था मंगनियार्स क्या है तो ये हेरिडिटेरी म्यूजिशियन है मोस्टली फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान अब क्या होता है कि जैसे जो आर्ट होती है आर्टिस होते हैं ये जो इनकी बेसिकली जो आर्ट होती है ना वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र होती है लाइक फैमिली में ऐसे ट्री चला आ रहा है बट अब प्रॉब्लम ये आता है कि जो न्यू जनरेशन होती है वो ट्रेडिशनल हेरिटेज जो आर्ट कल्चर है उसको कैरी फॉरवर्ड करना नहीं चाहती बिकॉज वो लूकोरेटिव भी नहीं होता और ज़्यादा वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और दिस प्रॉस्पैरिटी भी नज़र नहीं आती सो इससे क्या होता है वो जो ट्रेडिशनल हेरिटेज का आर्ट आर्किटेक्चर कल्चर है वो लॉस्ट इन ऑब्लिवियन हो जाता है सो दैट इज़ वाई इसको कंजर्व करना ज़रूरी है इसको फाइनेंशियली फीजिबल बनाना ज़रूरी है कंसिडर द रिपोजिटरी ऑफ थार रीजन थार कहाँ पर है डेजर्ट राजस्थान रिच हिस्ट्री है ट्रेडिशनल नॉलेज है बैलैड्स हैं फोकलोर है सॉन्ग्स हैं है, लंगा मंगनियार आर आर्टिस्ट्स के इनका प्रिजर्वेशन करें प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे डॉक्यूमेंटेशन करो डिजिटाइजेशन करो जैसे देखो वीडियो कैमरा से डिजिटाइजेशन हो रहा है तो ये एक प्रोजेक्ट है जो अभी यहाँ पे चल रहा है तो हमें नाम याद रखना है ये कहाँ पर है कम्युनिटी, राजस्थान की है और दीज आर म्यूजिशियंस देन स्टम्बलिंग ब्लॉक्स टू एफ टी ए कैन बी सरपास्ट अभी ऑस्ट्रेलियन दिस मिनिस्टर इंडिया में है ट्रेड मिनिस्टर और बात चल रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एट्सेट्रा का लेट एस सी ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया के कोऑपरेशन क्लोजर होते जा रहे हैं क्लोजर टाइज सो दिस इज दिस पेज इसके बाद है सेंटर टू बिगिन पैडी परचेज पेडी मतलब धान होता है राइस पेडी परचेज टूडे आई गॉट कोविशील्ड आई हैव सर्वाइव नाउट दिस इज इंपॉर्टेंट मैसेज और वो भी यू एन जी ए के चीफ से यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली आप हैं मिस्टर अब्दुल्ला शाहिद मालदीव से हैं और मालदीव्स को वैक्सीनेशन किसने दिया था इंडिया ने दिया था तो मालदीवियन है तो वैक्सीनेशन भी कोविशील्ड लगाए है नाउ हेड कर रहे हैं यू को तो कोविशील्ड इज अ वेरी गुड वैक्सीनेशन ट्राइड एंड टेस्टेड है मिलियंस ऑफ पीपल को कोविशील्ड लगी है तो वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए दिस इज फाइव करोड़ हाउसेज गिवन वाटर कनेक्शन अब सी जो नेक्स्ट बिग थिंग होने वाली है ना वो होने वाली है पाइपड वाटर हर घर में साफ पानी पहुँचाना जल जीवन मिशन और प्राइम मिनिस्टर का अगर आप देखो ना प्राइम मिनिस्टर मन की बात या फिर जो एड्रेसेस वो कर रहे हैं इवन यू में भी तो पाइपड वाटर सैनिटेशन इस पर बड़ा फोकस रहा है तो गवर्नमेंट का ये फोकस है पाइपड वाटर पे तो ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट स्कीम है वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है इनफैक्ट जल जीवन मिशन इसमें क्या है नल का पानी हर घर पे पहुंचाना है रूरल हाउस होल्ड बाई तक नल का साफ पानी इंटीग्रेटेड डिमांड सप्लाई साइड मैनेजमेंट भी होगा लोकल लेवल पे कवरेज होगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम जैसे बहुत सारी छोटी स्कीम स्टेट लेवल पे भी होती है तो ये सबका एक अम्ब्रेला टाइप स्कीम बन जाएगी और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम्स को भी कन्वर्ज करेगी इसमें एक और बात अच्छी है वाटर का कंजर्वेशन भी ज़रूरी है तो क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रा होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्राउंड रिचार्ज मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर री यूज इन एग्रीकल्चर वेरी गुड पॉइंट नोटेड डाउन डाउट तो अब बस ऐसे ही एम सी क्यू बन जाता है कि जल जीवन मिशन में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कौन सा करेक्ट है नहीं है ओके सो दिस इज जल जीवन मिशन पानी पहुँचाना है रूरल में भी दो हजार चौबीस तक वाटर मैनेजमेंट भी देखना है ग्रास रूट लेवल पे कवर करना है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स को भी और लोकल इंफ्रा भी डेवलप करना है तो दिस इज़ जल जीवन वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब है ये ईज ऑफ यूज अब सी ये ड्रग है ये एक ड्रग है मोलनू पिराविर इस नाम है मेडिसिन का नाम है दिस मेडिसिन का नेम है ये ऐसे कैप्सूल्स के फॉर्म में आएगी तो द पॉइंट इज कि ये कैप्सूल्स डिस्ट्रीब्यूट करना ईजी है कोविड नाइन्टीन से फाइट में वैसे तो इंजेक्शन वगैरह भी हैं बट उनका हैंडलिंग वगैरह बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो जब ऐसी ड्रग्स आती है ना तो इट इज़ लाइक जैसे डीकोल टोटल सर्दी खांसी हुआ डीकोल टोटल ले लो तो ये वैक्स ये जो ड्रग है ये भी कुछ ऐसी ही हो जाएगी आने वाले टाइम पे कोविड नाइन्टीन से फाइट के लिए तो दिस इज़ ईज ऑफ यूज़ और अगर ईजी होगा कोई भी चीज़ तो उसका एडेप्टन एडोपशन ज़्यादा होगा और उतना ही उसके बेनिफिट्स होंगे इससे क्या होगा इस मेडिसिन से जो सीवियरिटी है कोविड की वो डाउन हो जाती है हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती बट ये अर्ली स्टेज है लेट अस सी अर्जेंट नीड टू स्टॉप लाइसेंस फॉर न्यू शुगर फैक्ट्रीज शिफ्ट फोकस टू मेकिंग इथेनॉल फ्रॉम शुगर केन अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल फॉसिल फ्यूल इस पर हम बड़ा डिपेंडेंट है इसी से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी हो जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट भी होता है बिकॉज सारा पैसा ऑयल को इंपोर्ट कराने में खर्च हो जाता है तो हमें उसका ऑल्टरनेट चाहिए ऑल्टरनेट एथेनॉल बड़ा अच्छा ऑल्टरनेट है शुगर केन वगैरह से एथनॉल बना सकते हैं एक्सेलेंट एटलीस्ट कुछ हम उसमें ब्लेंडिंग तो कर ही सकते हैं दस पंद्रह बीस परसेंट तो अगर पंद्रह परसेंट भी ब्लेंडिंग कर दी तो उतना ही कम इम्पोर्ट होगा प्रॉफिट दिस इज एंग्री ताइवान स्लैम्स चाइनाज एग्रेशन सी ये चाइना है दिस रेड इज चाइना ओके अब ये जो है ना यहाँ पे जापान है ये जापान के आइलैंड्स हैं जापान के ये आइलैंड्स बताइए नॉर्थ टू दिस साउथ ये ना होन्शू होकाइडो क्यूशू शिकोको नॉर्थ से साउथ पे अरेंज करिए ओके okay? अब यहाँ जो सी है वो सी ऑफ जापान है बट देखिए जापान चाइना से कनेक्टेड नहीं है सी यहाँ पे यहाँ पे नॉर्थ कोरिया आ जाता है फिर रशिया आ जाता है तो दिस इज़ चाइना यहाँ मंगोलिया रशिया है और यहाँ एशियन कंट्रीज़ है ये जो दिख रहा है आइलैंड दिस इज कॉल्ड ताइवान ताइवान की हिस्ट्री ये रही है कि नाइनटीन में सिविल वॉर हुआ तो चाइना जो ये मेन लैंड था उधर आ गए कॉम्युनिस्ट और ये जो आइलैंड था इधर आ गए डेमोक्रेटिक कोअमिंटोंग पार्टी उनको यहाँ से भाग के इधर आना पड़ गया तब से 1949 से दोनों बोलते हैं कि असली चाइना हमें असली चाइना हमें ताइवान बोलता है वी आर रियल चाइना और मेन लैंड चाइना बोलता है वी आर रियल चाइना और इस बात पे दोनों में डिस्टेंशन होता है चाइना का पॉलिसी ये है वन चाइना पॉलिसी तो चाइना ताइवान को टेक ओवर करना चाहता है और इसी बात पे फिर डिस्प्यूट्स होते हैं

then दिस इज़ चाइना launches investigation कतर में फर्स्ट पोल हुआ शूरा काउंसिल के लिए खाशोगी जो बाइडन एंड अब है साइंस एंड टेक पहला न्यूज़ है अगेन कोविड रिलेटेड एक फाइंडिंग है इन सब चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए बिकॉज डे बाय डे ये चेंज हो जाती है ऑन वैक्सीन्स फॉर प्री टीन्स वन सीवियर डिसीज इज़ रेयर तो बात यह भी है कि जो प्री टीन्स हैं एक्चुअली जब यंग रहते हैं तो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग रहता है तो वायरस का जो यंगर है उनपे इतना थ्रेट नहीं आता है तो द पॉइंट इज वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी किसको दें लाइक like दैट अभी भी लेस देन एटीन के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है अगर आप एटीन प्लस हैं तो गो गेट वैक्सीनेटेड कोविशील्ड कोवैक्सिन स्पुतनिक एनीथिंग ऑल आर गुड वैक्सीनेशन गो गेट वैक्सीनेटेड इफ यू आर एटीन प्लस दिस इज कोरल माइक्रोबायोम कोरल माइक्रोबायोम क्या होती है कोरल रीव्स होती है कोरल रीव्स में क्या होता है सिंबायोटिक रिलेशन होता है ज़ूजेंथली एल्गे और कोरल पॉलिप्स होते हैं तो यहाँ एक्चुअली बहुत सारी दिश एल्गे भी है और डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स हैं बैक्टीरियाज हैं इवन वायरसेस भी हैं तो समटाइम्स दे एक्ट एज़ अ शील्ड और वो कोरल को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्राम क्लाइमेट चेंज तो ये कोरल वैसे ही एक बहुत बड़ा बायोम है इसे रेन वाटर बोला जाता है ओशन का तो कोरल माइक्रोब माइक्रोबायम छोटा सा बायोम उसके अंदर भी बना हुआ है जहाँ बहुत डाइवर्सिटी है और वो कोरल ब्लीचिंग से कोरल को मरने से जू जेंथली एट्सेट्रा को स्टॉप करता है कोरल ब्लीचिंग क्या होती है कि जैसे जू जेंथली जो एलगी है ये कलरफुल रहती है अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है एसिडिक हो रहा है अटैक हो रहा है तो एल्गी मर जाती है एल्गी मर जाती है तो कलर चला जाता है तो डी हो जाता है और उसी को कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं तो नेचर कम्युनिकेशन एक स्टडी है उसने बताया कि वाटर स्टारलेट कोरल वगैरह है तो यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी है इसकी डिफरेंट डिफरेंट कोरल बायो में वो उसको सेफ गार्ड भी करते हैं देन दिस इज विस्कर टेल्स विस्कर क्या होती है जैसे ये कैट है कैट की ये जो मूछे हैं इसको विस्कर बोलते हैं तो विस्कर टेल्स तो इसकी स्टडी से ये पता लगा कि कैट जो है ना वो मोस्टली नाइनटी सिक्स परसेंट डोमेस्टिसाइज ही है हम जो खाना देते हैं उसी से इनका चलता है ये हंटिंग वगैरह बहुत कम करती है थ्री टू फोर परसेंट डाइटरी पैटर्न बिहेवियरल पैटर्न की स्टडी है विस्कर स्टेल और ये कोरल माइक्रो बायो हाउ केन ग्लास बी मेड टफर फॉर डाइवर्स एप्लीकेशन अपसी जैसे एप्पल बोलता है ना हमारा जो नया आईफोन है उसमें इतना टफन ग्लास है जो ब्रेक नहीं होगा सेरेमिक शील्ड है वगैरह तो ग्लास जो एक्चुअली है इसमें क्या करते हैं कुछ इम्प्यूरिटीज़ ऐड की जाती है जिससे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर मिल जाता है जैसे अगर हम देखें पायरो तो मतलब वो ज़्यादा हीट को सस्टेन कर सकता है कुछ होता है जिसमें प्लास्टिक जैसा हो जाता है तो वो टूटता नहीं है टूटता नहीं है ऑल वो स्क्रैच हो जाएगा तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिट बनते हैं ग्लास के ग्लास के जैसे जो लेंसेज बनते हैं इनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्लैरिटी इस पर ज़्यादा होता है कुछ होते हैं टिंटेड ग्लासेज बनते हैं उसमें एक कॉम्पोनेट ऐड कर देते हैं तो उसका नेचर चेंज हो जाता है तो दिस इज ग्लास टाइनी प्लांट दैट कैन डाइजेस्ट लो डेंसिटी प्लास्टिक शीट अब सी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेवनटीन्थ ऑफ ऑगस्ट का पी देखिए यहाँ हमने बात किया था प्लास्टिक पॉल्यूशन का प्लास्टिक पॉल्यूशन फोर्टीन अगस्त को भी देखा था माइक्रो प्लास्टिक प्लास्टिक का थ्रेड बढ़ता जा रहा है प्लास्टिक के साथ प्रॉब्लम यह है कि प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता एक बार प्लास्टिक बन गया तो वो एटर्निटी तक बना रहेगा डिस्ट्रॉय नहीं होगा बायोडिग्रेड नहीं होता नेचर में अपने आप तो उससे वेस्ट अक्यूमुलेट होता है नेचर पॉल्यूशन होता है प्लास्टिक इतना यूज इसलिए होता है बिकॉज यूटिलिटी बहुत है इजीली आप डिफरेंट शेप में मोल्ड कर सकते हो स्ट्रांग है और सस्ता भी है तो प्लास्टिक का यूज तो होता है बट नेचर को हार्म होता है सो वी नीड टू फाइंड अ मिडल वे अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दो हज़ार रिपोर्ट है प्लास्टिक वेस्ट अराउंड 5.6 मिलियन मैट्रिक टन जनरेट हुआ साल भर में 60 परसेंट प्लास्टिक यूज हुआ इंडिया में जो इतना जनरेट हुआ इसका केवल 60 प्रतिशत ही कलेक्ट हुआ और रिसाइकिल हुआ तो प्रॉब्लम कहाँ है हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं रिसाइकल नहीं कर पा रहे कल का आपने देखा था सेशन उसमें प्राइम मिनिस्टर ने अमृत अमृत के बारे में बात किया था ओपन डेफिकेशन फ्री की बात किया था स्वच्छ भारत मिशन तो प्लास्टिक वेस्ट को भी कम करना ज़रूरी है और जितना मैक्सिमम प्लास्टिक वेस्ट है वो शहरों से आता है दिल्ली चेन्नई कोलकाता मुंबई सो प्लास्टिक हटाया कैसे जाए तो इसके लिए जो रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई के इन्होंने एक एल्गल स्पीशीज़ को आइसोलेट किया है और ये जो एल्गल स्पीशीज़ है ये प्लास्टिक को ख़त्म कर सकती है प्लास्टिक को ब्रेक कर पा रही है तो माइक्रो एल्गे है डिफरेंट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा पॉलीसैक्राइड एंजाइम टॉक्सेंस हार्मोन्स ये सब जनरेट कर रही है एल्गे पॉलीमर शीट के साथ बाइंड होते हैं और जो पॉलीमर है उसको मोनोमर में तोड़ते हैं और हार्मफुल इफेक्ट जो होता है प्लास्टिक का वो खत्म हो जाता है तो एक्सीलेंट इस एक एल्गल स्पीशीज से प्लास्टिक का जो थ्रेट है प्लास्टिक का जो अक्यूमुलेशन है हम उसको हटा सकते हैं एक्सीलेंट तो अब जब भी प्लास्टिक सोल्यूशन कुछ बताना है तो यू कैन मैंशन दिस पॉइंट एक लाइन लिख सकते हैं कि वी कैन डू दिस प्लास्टिक का ब्रेक डाउन करें बाय दिस दिस एल्गे यूनिवर्सिटीज़ आर की इन एजुकेटिंग द यंगर जो स्कूल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं ये ना लाइफ बहुत लेसन सिखाते हैं एक नज़रिया बनता है आपका यूनिवर्सिटी में जैसा पढ़ाया जा रहा है जैसा माहौल बन रहा है तो जैसे ये आई है बैंगलोर का बहुत रेपूटेटेड इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड फेमस है अचीवमेंट इन कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में तो यूनिवर्सिटीज़ आर की इन एजुकेटिंग द यंग आर्ग्यूमेंट यही है स्कूल्स कॉलेजेस जो होते हैं ना ये फॉर्मेटिव ईयर होते हैं लाइफ के फॉर्मेटिव ईयर होते हैं तो यहाँ सॉलिड फाउंडेशन डालना बहुत जरूरी है जो वैल्यू सिस्टम है लाइक like हार्डवर्क हुआ डिसिप्लिन हुआ सिंसियरिटी हुआ रेस्पॉन्सिबिलिटी हुआ अकाउंटेबिलिटी हुआ आप देखना जो अच्छी आदतें हैं ना वो इसी दौर पे ज़्यादा बनती हैं फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं आपके स्कूल्स कॉलेजेस एट्सट्रा यूनिवर्सिटीज़ सो इनका बहुत वैल्यू है इन एजुकेटिंग द यंग यंग के पास एनर्जी होती है बट इनको प्रॉपरली ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है एजुकेट करना जरूरी है ये है आई एनले प्रमिसिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोनॉमी मतलब स्काई ग्रेजिंग वगैरह हम अंतरिक्ष को देख रहे हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी स्टडी तो उसके लिए होती है ऑब्जर्वेटरी कुछ ऑब्जर्वेट्री अर्थ के बाहर हम ऐसे सैटेलाइट में बनाते हैं ताकि जो अर्थ का जो एटमोसफियर है वो विजन को हेम्पर नहीं करें बट सारी सैटेलाइट तो बाहर बना नहीं सकते तो कुछ हम बनाते हैं अर्थ में ही ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे क्लियर स्काई ज़्यादा हो क्लियर स्काई क्लाउड्स कम हो हाइट पे हो तो वहाँ पे विजिबिलिटी मतलब थ्रू आउट द ईयर अच्छी रहेगी तो एस्ट्रोनॉमी ईजी हो पाएगी तो ऐसी ही एक बहुत अच्छी जो लोकेशन है वो है लद्दाख में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैंडले और मैराक इन लद्दाख एक देवस्थल भी है नैनीताल में भी एक अली ऑब्ज़र्वेटरी है तिब्बत में ऑटोनोमस रीजन इन चाइना फिर साउथ अफ्रीका में भी है और टोक्यो में भी है अटाकामा डेजर्ट में भी है चिली में भी है मैक्सिको में भी है ऐसे कुछ ऑब्जर्वेटरीज बना रखी है अब द गुड थिंग इज यहाँ अगर क्लियर नाइट है पॉल्यूशन नहीं है एरोजोल नहीं है तो विजिबिलिटी सही हो जाती है बिकॉज अर्थ का बीच में एक लेयर आ गया ये लेयर यहाँ देखने से स्टॉप कर रहा है तो हम ऐसी जगह प्रेफर करेंगे जहाँ ये लेयर क्लियर हो क्लियर नाइट पॉल्यूशन नहीं हो कंडीशन अनइंटरप्टेड इंटरप्टेड हो तो दैट इज वाई ये जो दो वेब दो पोजिशन है लोकेशन लद्दाख की और दिस दिस हैंडले एंड मैराक लद्दाख एक्सलेंट है ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज के लिए वाई इज द गवर्नमेंट अगेंस्ट कास्ट सेंसस तो कास्ट सेंसस जरूरी है सेंसस से क्योंकि डेटा आएगा डेटा से पॉलिसी फार्मुलेशन होगा बट अगर डेटा गलत है तो गलत पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा प्लस सेंसस का जो डेटा है पॉपुलेशन देखने के लिए दस दस साल में होता है 2011 में हमने उसमें ए सी भी कराया सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बट उसका डेटा अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पास रखा हुआ है फाइव ईयर्स वो डेटा ऐसा बोला गया वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग अरविंद पनगरिया साहब ने भी इसका आर्ग्यूमेंट दिया था कि डेटा करेक्ट नहीं है डेटा जो है वो रिलायबल नहीं है डेटा में फ्लॉज है तो अगर फ्लॉज डेटा है तो उसका यूज़ नहीं हो पाएगा तो 2021 में सेंसस डेटा जो सेंसस कराना है उसमें सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नहीं हो रहा है बट उसकी डिमांड हो रही है सो द पॉइंट इज वी नीड डेटा बट ऑल्सो रिलायबल डेटा इज रिक्वायर्ड तो एक वे आउट निकालना वे फॉरवर्ड निकालना ज़रूरी है यार टॉक्सिक फायर क्रैकर्स टॉक्सिक फायर क्रैकर्स में क्या लिखा है इधर ये न्यूज़ है जो अभी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था गो ग्रीन दिस दिवाली दिल्ली में फायर क्रैकर का सेल बंद हो गया है इसके दो पहलू हैं एक है इकोनॉमिक पहलू दूसरा एन्वायरमेंट पॉल्यूशन तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़रूरी है एन्वायरमेंट भी जरूरी है फाइंड अ सॉल्यूशन इसके लिए सॉल्यूशन आया था सीएसआईआर का नीरी नीरी कल परसों ही देखा है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्होंने फायर क्रैकर्स बनाए जो हैं ग्रीन मतलब लेस पॉलिटिक जैसे कि स्वास सेफ वाटर रिलीजर सेफ थर्माइट क्रैकर स्टार और सफल सेफ मिनिमल अलूमिनियम ये तीन इन्होंने बताया जिसमें लिथियम आर्सेनिक बैरियम और लेड कम है तो दिस इज़ गुड ये डस्ट पॉल पार्टिकल्स भी नहीं कर रहे हैं वे, वाटर वेपर भी नहीं कर रहे हैं तो पार्टिकुलेट मैटर का जो पॉल्यूशन है वो भी कम होगा डब्ल्यू एच ओ ने अभी नई गाइडलाइंस भी निकाली है पार्टिकुलेट मैटर के लिए टू पॉइंट फाइव एंड टेन इनमें क्यू आर कोड भी होगा तो इनका काउंटर फीड भी नहीं हो सकता है क्यू आर कोड से आप वेरीफाई कर सकते हो तुरंत तो ये फायर क्रैकर का ही न्यूज़ है कि जो फायर क्रैकर्स है ना ये बड़े पॉल्यूटिंग होते हैं एयर पॉल्यूशन भी होता है नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है तो इनका सेंसिबल यूज़ करना ज़रूरी है बेरियम सॉल्ट्स होते हैं तो इससे हेल्थ हैजार्ड्स होता है डिफरेंट डिफरेंट चमकीले कलर दिखते हैं ना देखने में अच्छा होता है बट वो बहुत हेल्थ को डिटीरियोरेट करते हैं सो दैट इज़ वाई टॉक्सिक फायर क्रैकर्स ये बात है डिजिटल हेल्थ मिशन का ये टॉपिक भी हमने काफ़ी डिटेल में देखा है पिछले कुछ टाइम पे डिजिटल हेल्थ मिशन मतलब जैसे आधार का नंबर है ना ऐसे ही सबका एक यूनिक आईडी दे दो उस यूनिक आईडी से उस पर्सन का सारा हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में उसके साथ चलेगा तो उस पर्सन को कोई हेल्प देना है सर्विसेज प्रोवाइड कराना है या वन डॉक्टर टू अनदर डॉक्टर जाना है कुछ भी उसकी हेल्थ रिलेटेड जो इशू है उसके लिए उसका रिकॉर्ड बेस साथ में रहेगा तो ट्रीटमेंट ईजी हो पाएगा पॉलिसी फॉर्मूलेशन ईजी हो पाएगा ये पूरा मैंडेट है डिजिटल हेल्थ मिशन का प्रॉब्लम ये होती है कि आप स्टैंडर्डाइज करना है कवरेज करना है जो एग्जिस्टिंग डिजिटल कार्ड्स हैं, जैसे वन नेशन वन राशन दिया था माइग्रेंट वर्कर देश के किसी भी कोने की फेयर प्राइस शॉप से ऑल आप बिहार में रजिस्टर हो पर अहमदाबाद से भी आप राशन ले सकते हो वन नेशन वन राशन जन आधार योजना है दिस इज पी एम जय दिस इज आधार कार्ड तो द प्रॉब्लम इज कि ये जो डेटा है ये स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाता मैनी टाइम्स डेटा में इश्यूज़ होता है तो उससे इसका ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट होता है ओके okay, तो दैट इज़ वाई हमें यहाँ पे जो टेक्निकल चैलेंजेस हैं डेटा चैलेंजेस हैं प्राइवेसी का चैलेंजेस है टेक्नोलॉजी फेमिलियरिटी का चैलेंज है मिस हो सकता है डेटा ब्रीच हो सकता है ये जो लूप होल्स हैं ये जो ट्रैप्स हैं इन पे एड्रेस करना जरूरी है तभी ये डिजिटल हेल्थ मिशन सक्सेस हो पाएगा जैसे पी एम जय इसमें हमने क्या किया जन आरोग्य योजना आयुष्मान कार्ड इशू किए तो उसमें भी ना कवरेज में इशू आ रहा है ग्राउंड लेवल पे कवरेज इन यूजेज में इशू आ रहा है बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं है फैमिलियरिटी नहीं है तो इन चीजों को एड्रेस भी करना पड़ेगा देन इसके बाद है द रिफॉर्मर्स पॉलिटिकल न्यूज ये है फूमियो किशीदा फूमियो किशीदा ये मैन ऑन द थ्रोन है फ्राम इकोनॉमिक वूज टू चाइना अ होस्ट ऑफ चैलेंजेस आर अटिंग द न्यू लीडर अभी जापैन का जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है ना ये बड़ी डिफिकल्ट पोस्ट है इसीलिए इसे थ्रोन का है द मैन ऑन द थ्रोन ट्यूनिशिया फर्स्ट वमेन प्राइम मिनिस्टर आप बनी है नजला बाउडन रोमधाने जियोलॉजिस्टी आप स्टडी इकोनोमी अमिज द वर्जनिंग पोलिटिकल क्राइसिस ट्यूनिशिया स्प्रिंग रिवोल्यूशन ट्यूनिशिया दैन रिलायंस ने यू ए ई आम फ्लोट किया ट्रेडिंग इन ऑयल एंड पेट्रो प्रोडक्ट्स के लिए रिलायंस अब अबू धाबी यू ए ई इंडिया और यू ए ई की अभी फ्रेंडशिप काफ़ी बढ़ रही है गोल इज़ टू क्रिएट इको सिस्टम फॉर ई वी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंडिया जनरेटिंग मीनिंगफुल व्यूज फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स हम भी अब शॉर्ट्स बना रहे हैं दैन दिस इज़ विल बी प्लेइंग दिस स्पोर्ट्स ओके स्पोर्ट्स सो दिस इज द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस अगेन सी जे आई का स्टेटमेंट है कॉलेजियम के जो नाम सेंड होते हैं क्विकली उसको अप्रूवल भी मिले एट द सेम टाइम जुडिशियल लीगल अवेयरनेस कराना ज़रूरी है ई e कॉमर्स के रूल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं देन दिस इज सिटी बर्स्टिंग एट द सीम्स ये जो पूरा कॉलेज एडमिशन का प्रोसीजर है ना ये बड़ा हेडक वाला काम हो गया है हमें ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए वरना ये सिस्टम गलत है सौ सौ परसेंट कट ऑफ जा रहा है मतलब देर इज़ सम प्रॉब्लम विद दिस सिस्टम वी नीड सम अदर सोल्यूशन बिकॉज इससे क्या होता है कि एक तो एडमिशन डिफिकल्ट होता है बहुत सारे जो जेन्यून स्टूडेंट्स हैं अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं जस्ट बिकॉज कुछ नंबर नहीं आए तो उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है कोई एक पैटर्न होना चाहिए जिसमें दूसरी चीज़ें भी देखें कोकरिकुलर देखें अकेडमिक को अकेडमिक परफॉर्मेंस भी देखें देर हैज़ टू बी सम अदर क्राइटेरिया केवल ये नंबर से इससे तो रैट रेस लग रही है दिस इज नॉट राइट देन दिस इज दिस इज़ प्राइम मिनिस्टर मैसेज फॉर वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा कुछ स्कीम्स आई हैं फ्रॉम टॉयलेट्स इन एवरी होम एंड स्कूल टू अफोर्डेबल सैनिटरी पैड्स एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इम्यूनाइजेशन सी ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं द गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी स्टेप्स टू स्ट्रेंथन वॉट द प्राइम मिनिस्टर कॉल मातृशक्ति शक्ति टू पॉइंट फाइव करोर हाउस में विलेजेस में नेम किए गए इन द नेम ऑफ वेमेन हाउसेस बनाए गए और उनको रखा इन द नेम ऑफ वेमेन विमेन को ऑनरशिप दिया गया हाउसेस बिल्ट हुए ढाई करोड़ उज्ज्वला स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है रिलीव विमेन ऑफ स्मोक्ड लाइफ तो इससे क्या होता है लंग्स प्रॉब्लम भी नहीं होती वरना धुएं से चूल्हे के धुएं से रेस्पिरेटरी डिसीजेज भी हो रही थी वेमेन को स्मोक्ड लाइफ वेमेन आर बींग इंटीग्रेटेड विद आत्मनिर्भरता मिशन सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना ज़रूरी है देन फिर इसमें नंबर बड़ा है और पी एम रिमाइंडेड द ऑडियंस प्राइमरली पीपल फ्रॉम स्टेट्स बाउंड फॉर द दिस तो हमें इससे क्या एक्सट्रैक्ट करना है ये पॉइंटर्स कि जैसे ये सारी चीज़ें स्कूल में स्कूल में अक्सर गर्ल्स का एनरोलमेंट कम क्यों होता है बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं होते सैनिटेशन नहीं होता अफोर्डेबल सैनिटरी पैड्स देना इज़ अ मस्ट न्यूट्रिशन सपोर्ट भी देना ज़रूरी है प्रेगनेंसी में तो ये जो पॉइंट्स हैं ना नोटेड डाउन ये सारे पॉइंट्स जब भी हम हेल्थ रिलेटेड बात करते हैं सवाल प्रिपेयर करते हैं यू कैन मेंशन उज्ज्वला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसे जल जीवन मिशन है वैसे ही उज्ज्वला सो नोट डाउन दीज स्कीम्स जो जीएस होता है ना वो ऐसे ही प्रिपेयर किया जाता है इधर उधर से आइडियाज लो और उस उन आइडियाज को फ्रेम करके एक असेंबल कर दो अपना आंसर एक्सलेंट मार्क्स मिलते हैं इस स्ट्रैटेजी से ये साबरमती आश्रम है चिल्ड्रन प्रेयर कर रहे हैं गांधी आश्रम साबरमती में देन ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ डे आफ्टर एवलांच नेवी मैन फाउंड है अभी भी रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन चल रहा है रेट्रो टैक्स रीपेमेंट टाइमलाइन की बात है देन ट्वेंटी टू एथिकल फंड्स हैं अमेजॉन बैग्ड ईवी को वन बिलियन का लॉस हुआ ग्लोबल कोरोना वायरस से इतना कैजुअलिटीज हुई बाइडन का एजेंडा ये है कतरीज वोट डाल रहे हैं दोहा में लाइकली टू फेस लॉ सूट्स ये बड़ा अच्छा लिस्ट दिया है इंडिया एट सेवेंटी फाइव इसमें पूरे अच्छे अच्छे ईयर वाइज एक बड़ी अच्छी प्ले बन गई है अच्छे अच्छे गानों की काफ़ी औसम नाम है यहाँ पे हैव लुक जो सॉन्ग्स हैं ना हर साल के उस टाइम के जो हिट थे एवरग्रीन सॉन्ग्स वगैरह काफ़ी सारे दिए हुए यहाँ पे अ लुक देन ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी एंड दिस इज राष्ट्रपति भवन पोस्टारिटी अर्जेंट क्वेश्चन तो ये तो था न्यूज़पेपर आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल तैयार करते हैं नो मैटर विच एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर ये सवाल सबको करना है सबसे पहले तो कंट्री का मैप बनाइए एक कंट्री का मैप बनाइए ए साइज का पेपर लीजिए और ये जैसा मैप दिख रहा है ना सेम ऐसा का ऐसा बनाने की कोशिश करिए मैप ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है विद इन थर्टी सेकेंड्स हमें ये मैप ड्रा करना आना चाहिए प्रैक्टिस आज ये पूरा मैप बनाइए मैप बनाने के बाद इसके जितने भी नेबर्स हैं वो बताइए पाकिस्तान यहाँ 106 किलोमीटर अफगानिस्तान फिर ये तिब्बत है चाइना का ये नेपाल फिर ये भूटान ये म्यांमार बांग्लादेश नीचे श्रीलंका हमारे आइलैंड्स भी बताइए लक्षद्वीप एंड अंडमान सी ये बड़ा आसान सा दिख रहा है बट ये करिए यू विल रियलाइज आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज यू विल रियलाइज कि मैं आपको इतना क्यों फोर्स करता हूँ टू राइट टू डू दिस थिंग अब इसमें आप क्या बताइए कोऑर्डिनेट्स बताइए कोऑर्डिनेट्स बताइए लॉन्जिट्यूडिनल और लैटीट्यूडिनल दोनों बताइए लिखिए कोऑर्डिनेट्स क्या है इंडिया के इंडिया का एरिया क्या है विकी पेज ओपन करिए सारा डेटा मिल जाएगा ये जो पाँच छः पॉइंटर्स है ना इनको टिप्स पे याद रखना है इंडिया के कोऑर्डिनेट इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड एरिया इंडिया की कौन सी रैंक है वर्ल्ड में एरिया वाइज टेल तो ये जो बेसिक फैक्ट्स है ना ये पूरा आप इस मैप में लिखिए यहाँ पे देन लैंड एयर वाटर से रिलेटेड इंडिया की बाउंड्रीज नेविगेशन एट्सट्रा नेबर्स फिर ये है हमारे 28 स्टेट अब आप क्या करना मैप बनाने के बाद एक एक स्टेट को देखना जैसे ये लद्दाख है लद्दाख किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है हिमाचल से इधर जम्मू एंड कश्मीर से ये एक यूटी है तो ऐसे 28 स्टेट्स हैं और आठ यूटी है सवाल कुछ भी आ सकता है एक बार सवाल आया कि ये कोहिमा है कोहिमा से हमें आना है कोट्टायम तो मिनिमम कितने राज्य हमें क्रॉस करने पड़ेंगे मिनिमम बताना है मैगजिम तो कितना ही घूम के आ जाओ मिनिमम शॉर्टेस्ट क्या हो सकता है तो आंसर कोहिमा से आपको कोट्टायम आना है तो कितने मिनिमम स्टेट्स आपको क्रॉस करने पड़ेंगे इंक्लूडिंग नागालैंड एंड केरला तो आंसर प्रलिम्स अभी दो तीन साल पहले ही आया था तो ऐसे सवाल आएंगे और ये गलत नहीं होने चाहिए और आज ही सही टाइम है आप इस प्रोसेस को डू इट टूडे ओके डू इट फॉर टूडे एंड यू विल यू विल रियलाइज़ कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है ओके okay? तो ये मैप वगैरह है ना ये सारा आज बैठ के एक दो घंटे में ये पूरा काम करिए हर राज्य को देखिए जैसे तेलंगाना है वो ओडिशा के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है ऐसी बॉर्डर शेयर नहीं है तेलंगाना और उड़ीसा का यूपी कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है ऐसी तो डू दिस एक्सरसाइज ओपन योर एटलस एंड डू दिस एक्सरसाइज ये बहुत हाई यल्डिंग और रिवॉर्डिंग रहेगा आने वाले टाइम पर ट है एम आर पी दिया है एसपी फोर्टी टू सी पी एक्स मान लेते हैं प्रॉफिट निकालना है सेलिंग प्राइस माइनस दिस कॉस्ट प्राइस फोर्टी टू माइनस एक्स अपॉन कॉस्ट प्राइस हंड्रेड परसेंट वो दिया हुआ है पाँच तो एक्स हो गया चालीस ये भी पहले हंड्रेड था पैंतीस परसेंट इंक्रीज हुआ तो ये सेलिंग प्राइस हुआ अब इस पर डिस्काउंट देंगे वन थर्टी फाइव पे डिस्काउंट तो साढ़े तेरह का डिस्काउंट हो गया नई सेलिंग प्राइस हो गई दिस माइनस तेरह दशमलव एक सौ इक्कीस अब पंद्रह प्रतिशत डिस्काउंट देंगे तो सेकेंड एसपी इतना हो गया सीपी हंड्रेड है, है तो गेन थ्री पॉइंट सात सौ बीस लॉस हुआ इस पूरे ट्रांजेक्शन में पांच बॉल का मतलब फाइव एक्स का सिंपल एसपी माइनस सीपीजल टू लॉस यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कीजिए दस हजार में इन टू इज एट फोर परसेंट पर एनम इंटरेस्ट बींग कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बारह सौ है फॉर वन ईयर एट टेन परसेंट पर एन एम रिकॉन्ड हाफ ईयरली कितना होगा आंसर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम एन एम फॉर टू ईर्स इज दिस सो दीज आर थ्री क्वेश्चन फॉर सी सेट ओके डू इट एवरी डे ये बहुत ईजी लगने लगेगा डू इट एवरी डे सो दिस इज सी सेट आज ये सवाल हर किसी को करना है इंडिया का पूरा जॉब पॉलिटिकल मैप समझना है हमें ड्रॉ मैप और एक बार आप ड्रॉ करोगे ना तो अपने आप अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी तो ड्रॉ देन विमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी स्नैपशॉट जल जीवन मिशन मिशन इम्पोर्टेंट है विक्रांत का दिस सेकेंड फेज ट्रायल सो दिस इज थर्ड ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ